नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। जवानों की शहादत पर सपना चौधरी ने ऐसे दी श्रद्धांजलि, लिखी बड़ी बात और हो गई भावुक। 14 फरवरी की शाम जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले ने हर देशवासी की आंखें नम कर दी। 40 से अधिक CRPF के जवानों की शहादत पर पूरे देश में गुस्सा है। जवानों की शहादत पर बॉलीवुड और भोजपुरी सितारों ने श्रद्धांजलि दी है और अब जानी मानी हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी की आंखें भी इस घटना पर नम हो गई हैं। सपना की आंखों से आंसू बहने लगे, वो बेहद इमोशनल हो गई। सपना चौधरी ने सोशल मीडिया पर जवानों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। सपना चौधरी अक्सर इंस्टाग्राम पर अपने डांस वीडियोस या फोटोज को शेयर करती है, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने कोई डांस वीडियो या फोटो को शेयर नहीं किया। उन्होंने काले रंग का बैकग्राउंड वाला फोटो शेयर किया है जिसमें लौ जल रही है और साथ में लिखा है, देश के मेरे शहीद वीर जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सपना चौधरी से पहले भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार केसरी लाल यादव ने भी वीडियो शेयर कर अपने मन की बात साझा की थी। केसरी ने कहा था कि देश के लिए जान देने वाले जवान हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हर तरफ सिर्फ घटना की ही चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर जवानों के लिए श्रद्धांजलि वाली लाइनें लिखी जा रही है। कई लोग वीडियो शेयर कर सरकार से आतंकियों को जवाब देने की अपील कर रहे हैं। बता दें, सपना चौधरी हरियाणा की लोक कलाकार है जिन्होंने स्टेज से बिग बॉस 11 और बॉलीवुड तक का सफर तय किया है। वो सितंबर 1990 को हरियाणा के रोहतक में पैदा हुई थी। हाल ही में सपना ने दोस्ती के साइड इफेक्ट से बॉलीवुड में डेब्यू किया है और अब जब एक बार सपना ने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए जवानों को श्रद्धांजलि दी है तो यकीनन हर किसी की आंखें नम हो गई हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।